बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और तकरीबन तमाम जो हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की कंबाइंड ये प्रॉब्लम्स हैं। व्यूअर्स, इसको बॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये बताने से पहले, सबसे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। चलें व्यूअर्स, अब मैं अब आपको बताऊँगी कि वो कौन सा एक मेन ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको यूज़ करके आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं स्किन के हवाले से। तो व्यूअर्स, वो है एप्पल साइडर विनीगर। बहुत ही ज़बरदस्त इसके व्यूअर्स बेनिफिट्स हैं और ये अमूमन तमाम किचन्स में मौजूद होता है। ना सिर्फ ये सैलेड में इस्तेमाल होते हैं बल्कि इसको एज अ ड्रिंक भी पिया जाता है, जो आपके इम्प्रूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके जो ब्लड शुगर होते हैं उसको उसके लेवल को कंट्रोल करता है, एक्ने रिड्यूस करता है और जिनके पेट पर चर्बी आ जाती है उसको रिड्यूस करता है। व्यूअर्स, ये आपके जिन जो बच्चे हैं, जो है ये बच्चे जो हैं अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो भी, ये भी जो है वेट लूज़ में आपकी बहुत मदद करता है। चलिए, और हमारा जो सबसे मेन मसला होता है, चाहे बॉयज़ हों गर्ल्स हों, उन सब का मेन मसला ये होता है कि एक तो हमारी बगलों से स्मेल आती है, चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, क्योंकि कुछ लोगों को सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जिनको स्वेटिंग नहीं भी होती उनकी बगलों से भी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और ख़ासतौर पे जो है लड़कियों की जो बगलें होती हैं वो डार्क हो जाती हैं, चाहे वो वैक्सिंग करवाएं चाहे वो हेयर रिमूवर क्रीम इस्तेमाल करें, तो उससे जो है आर्मपिट जो है वो डार्क हो जाते हैं। तो कोई भी स्लीवलेस शर्ट हम नहीं पहन सकते, क्योंकि जैसे ही हम हाथ ऊपर करते हैं तो पता चलता है जी हमारी जो आर्मपिट है वो नज़र आ रही है और ब्लैक है। तो इसको लाइटन करने के लिए और इसकी जो स्मेल है बगलों की वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर पानी लूँगी और 1 ही टेबलस्पून यहाँ पे एप्पल साइडर विनीगर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से व्यूअर्स मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, ये कॉटन टिश्यूज़ हैं मेरे पास, इसको इस मिक्सचर में हम सोक कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से हल्के हाथों से निचोड़ के व्यूअर्स इसको जो है एज अ मास्क के तौर पे जो है आप बगलों के अंदर रखेंगे इस तरह से। और व्यूअर्स, आप यकीन मानिए इसको 15 से 20 मिनट तक तो जो है आप इसको जो है रखा रहने देंगे बगलों के अंदर। आप यकीन माने ना, ये जो है ना सिर्फ आपके बगलों की स्मेल को ख़त्म करेगा बल्कि व्यूअर्स ये आपकी जो आर्मपिट्स हैं वो जो ब्लैक हो जाती हैं उनको लाइटन करेगा। व्यूअर्स, इसके बाद जो है आपने इसको नीम गर्म पानी से या फिर नॉर्मल पानी से आपने इसको साफ़ कर लेना है। व्यूअर्स, आप ये रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने आपकी स्किन जो है वहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, लाइटन हो जाएगी। और साथ में व्यूअर्स, अगर आप जो है आपको वहाँ पे ड्राइनेस फील हो रही है तो आप वहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम जो है आप वहाँ पे लगा दें तो आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी व्यूअर्स ये है कि आपके जो फेस है उसके ऊपर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं व्यूअर्स, आपकी एक्ने निकल आती है, एक्ने की वजह से आपके निशानात पड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। व्यूअर्स, इनको सबको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैं आज आपके सामने जो है फेस टोनर बनाने के लिए व्यूअर्स हमने जो है, अगर मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून वाटर ले रही हूँ तो 2 ही टेबल स्पून आप जो है एप्पल साइडर विनीगर लेंगे। ये एप्पल साइडर विनीगर ले लिया व्यूअर्स, इसको मिक्स करके आप किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लें या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप डाल के रखते हैं और आप इसको डायरेक्ट फेस के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और कॉटन टिश्यू या कॉटन पैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर चंद कतरे डाल के और आप अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। व्यूअर्स, इसका लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो है आप अपने फेस को जो है वो वॉश कर लेंगे सोप से, जो अगर आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे आप वॉश कर लें। इसके बाद आप क्लिनजिंग करें, क्लिनजिंग करने के बाद जो है आपने टॉनिक के तौर पे ये टोनर बनाना है और इसको आपने स्प्रे कर देना है पूरे फेस पे
और इससे जो है फेस पे स्प्रे कर देना है और व्यूअर्स इसको उतारना नहीं है, ये बेशक ड्राई हो जाए इसके बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आप नाइट नाइट में आप यूज़ करती हैं आप वो अप्लाई कर दें। ज़बरदस्त टोनर है, फेस टोनर है, ये ना सिर्फ आपकी एक्ने के निशानात को ख़त्म करेगा बल्कि डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगा और ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करेगा। व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त टोनर है। नेक्स्ट रेमेडी व्यूअर्स हमारी है कि हमारे मुंह के अंदर स्मेल हो जाती है। अब हमने जब हम किसी के पास बैठे होते हैं तो हम बातें कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह से एक अजीब सी गंदी सी खाने के बाद जो है स्मेल आती है, जैसे अगर हमने सैलेड इस्तेमाल किया है खाने में तो सैलेड की स्मेल आती है। व्यूअर्स उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए, व्यूअर्स मुँह की स्मेल को दूर करने के लिए, ये देखें यहाँ पर अगर मैं 1-2-3 टेबल स्पून अगर व्यूअर्स यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ तो आपने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है व्यूअर्स यहाँ पे आपने एप्पल साइडर विनीगर लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स ये इससे जो है आप गरारे करें, यकीन माने आपके जो मुंह के अंदर जो खाने के बाद जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको जो है बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले भी आप इसी के जो है एप्पल साइडर विनीगर और पानी को मिक्स करके आप इसके जो गरारे करें तो आपके जो है पूरी रात जो है जो स्मेल होती है मुँह के अंदर जो पैदा हो जाती है वो भी नहीं होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट रेमेडी हमारी है कि हमारे पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियों हो, ख़ासतौर पर वो बेचारे लड़के जो बूट और जो है जुराबे पहन के अपनी वर्किंग करते हैं और इसके बाद जब घर आते हैं तो उनके पाँव से बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो व्यूअर्स इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यूअर्स एक टब में जो है हम यहाँ पर, ये एक मैंने टब लिया है, इसमें व्यूअर्स मैं यहाँ पर जो है ये मैं नीम गर्म पानी डालूंगी। ये आपने नीम गर्म पानी लेना है और साथ में व्यूअर्स तकरीबन आपने इसमें जो है 1/4 कप या 1/2 कप जो है आपने इसमें वाइट विनीगर मिक्स कर देना है और इसको इस तरह से, ये वाइट विनीगर हमने मिक्स कर दिया है, इसको इस तरह से हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और व्यूअर्स 10-15 मिनट के लिए अपने पाँव जो है इसमें भिगो के रखें। इसके बाद जो है आप किसी भी अच्छे सोप से जो है अपने पाँव जो है साफ कर लें, धो लें। तो व्यूअर्स इससे ना सिर्फ आपकी जो है पाँव की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ तक कि आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है। व्यूअर्स आपके पाँव जो की जो स्किन है वो हेल्दी हो जाती है। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी होम रेमेडीज़ स्किन के हवाले से और एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ करके हमने जो है ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी आप सॉल्व कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में एंड बेल आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।